गाइस ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना आसमान, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, आसमान कितना प्यारा लग रहा है। अभी अभी ना मेरा एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ था तो मैं राइडर को देने के लिए बाहर ही आई थी, और जब बाहर आई तो मैंने आसमान देखा, इतना सुंदर लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा व्यू शेयर करती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:37। बर्थडे लड्डू। थैंक यू मम्मा। ना मेरा बच्चा, आज लड्डू कितने कितने इयर्स का हो गया? 5 इयर्स के। ओह माय गॉड, मेरा बच्चा इतना भला हो गया है। तो गाइस अभी लड्डू कर रहा है ब्रेकफास्ट, लड्डू नहा चुका है और अभी रेडी नहीं हुआ है, सिर्फ नहाया है। जब हम लोग निकलेंगे तब लड्डू को रेडी करेंगे। और कहाँ चलेंगे आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलर बेसिस पर देखते हो तो लड्डू की फेवरेट जगह एक ही है, और लड्डू का दिन है तो लड्डू को लड्डू की फेवरेट जगह लेके चलेंगे। ठीक, लुलु मॉल। ठीक है, ठीक है। अभी पापा नहीं आए, पापा भी आ जाएंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। लड्डू थोड़ा सा लेट उठाए सोकर। हाँ 12। ठीक, तो लड्डू, हाँ लड्डू अभी सोकर उठा है थोड़ी देर पहले, तो मैंने इसको नहलाया, पहले दूध पिया था। नाउ इट्स, पता ही आपको लड्डू का कुछ दो चार गिने चुने नाश्ते होते हैं, वो कर रहा है विद बुकनू। ये मैं इस बार अपने इन-लॉज के यहाँ से लेकर आई थी, ये चटपटा सा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और बहुत दिनों की बात व्लॉग कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से व्लॉग किया नहीं है, महीने के ऊपर हो चुका है। रीज़न आप सबको मैं बता चुकी थी कम्युनिटी पोस्ट पर, जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज़ वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो कि मेरे घर में मेरे इन-लॉज के यहाँ पर मिस हैपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ चले गए थे और अभी कुछ दिन पहले आए हैं। आए हुए वैसे हफ्ता 10 दिन हो चुका है, लेकिन बस वही है कि वो होता है ना, इतने दिनों से व्लॉगिंग छूटी हुई थी तो वापस से वो किक नहीं मिल पा रही थी कि मतलब कुछ हो, मतलब एक होता है ना कि आदत छूट जाती है तो वापस से रूटीन में आने में टाइम लग रहा था। तो बस मैंने कहा चलो आज अच्छा दिन है, आज है लड्डू का बर्थडे, तो लड्डू का बर्थडे है तो थोड़ा सा मतलब एक मुझे बहाना भी मिल जाएगा कि मैं ये सब चीज़ें मैं व्लॉगिंग पता है एक्चुअली इसलिए भी कर, तो वो सब चीज़ें मुझे मेरे व्लॉग के थ्रू याद रहती हैं। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो आज लड्डू का बर्थडे मुझे शूट करना ही है। और पता है हम लोग लड्डू का बर्थडे कुछ वैसा कर नहीं रहे हैं, हमने कल रात को केक कटिंग कर लिया था, मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं शूट किया, बस हाँ कुछ फ़ोटोज़ ली थी, वो आपको व्लॉग के एंड में या व्लॉग के स्टार्टिंग में मिल जाएगी। आई होप आप लोग देखोगे, और देखोगे तो मेरे बेटे को विश भी करोगे, खूब सारी ब्लेसिंग्स भी दोगे, तो बस इतना ही है उसके लिए। और तो बस मैंने कहा चलो आज अच्छा दिन है, आज से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज से रेगुलर बेसिस पर आपको मेरे व्लॉग्स मिला करेंगे, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट, लेकिन हाँ मिलेंगे, मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ जाया करेगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ में मैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, और आई होप मैं रेगुलर बेसिस से व्लॉग कर सकूँ। तो वैसे ही पता है काफ़ी सारी प्लानिंग थी मेरी कि लड्डू का 5th बर्थडे मैं काफ़ी अच्छे से करूँगी, क्योंकि 1st बर्थडे पे बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ना उम्मीदें कह रही हूँ, बहुत सारी ना चीज़ें ऐसी थी जो मिस हो गई थी, मतलब हम लोग कर नहीं पाए थे। मैंने अपने मम्मी के यहाँ से किसी को नहीं बुलाया था, मतलब लड्डू के ननिहाल से मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया था, और दादी के यहाँ से भी लोग आए थे तो सबका मुँह बना हुआ था, मेरी मतलब हो गया था मेरा किस सबसे, तो इस वजह से मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया, जो आए उनका भी मुँह बना हुआ था, तो मतलब ये सब चीज़ें। और फिर मैं अपने दिल्ली वाले फ्रेंड्स को इन्वाइट नहीं कर पाई थी, उन लोगों ने अपने बच्चों के पे मुझे कई बार इनवाइट किया, बेशक मैं जा नहीं पाई हूँ लेकिन हाँ इनवाइट किया है, तो मेरा भी था कि मैं भी जब करूँगी ना अच्छे से तब मैं सबको बुलाऊँगी, ये प्लानिंग के साथ मेरा था कि 5th बर्थडे अच्छे से करेंगे। लेकिन जो मिस हैपनिंग हुई है वो इतनी जल्दी भूलने वाली नहीं है चीज़, लेकिन देखो सेलिब्रेशन अकेले नहीं होता है ना, फैमिली के साथ होता है, तो वो चीज़ें मैं करूँगी तो फैमिली को भी हर्ट होगा कि अभी कितना ही टाइम हुआ और मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो उतना तो नहीं। हाँ लड्डू की फेवरेट जगह जो ऑलरेडी आपको बता चुका है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो लड्डू को लुलु मॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ का जो प्ले जोन है ना फनटूरा नाम से, वो उसका फेवरेट है। आसपास के जो मॉल्स हैं, वहाँ के जो छोटे मोटे प्ले जोन्स हैं, वहाँ तो ही जाता रहता है, महीने में 2-3 बार चला जाता है, तो उसको उतना क्रेज़ रहा नहीं है आसपास वालों का, लेकिन हाँ लुलु मॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और मैं अपने इन-लॉज के जाती हूँ तो बीच में लुलु मॉल पड़ता है, फिर तो मुझे यहाँ जाना था, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, उसका ये हो जाता, तो मैंने कहा चलो वहाँ लेके जाते हैं, खुश हो जाएगा बच्चा भी। और रात में केक कट किया था, कुछ नहीं करेंगे अब, जाएंगे इसको वहाँ पे अपना खेल कूद लेगा, उसके बाद जब भी थक जाएगा तो हम लोग अपना डिनर करके घर आ जाएंगे। सिर्फ इतना सा बर्थडे होने वाला है इस बार, इसका ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हम।
तो गाइज अब आगे आने वाले दिनों में आपको मेरे क्लाउड किचन के भी व्लॉग्स आएंगे, आपको मेरे डेली व्लॉग रूटीन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे. और हाँ, मैं आगे से मतलब आगे आने वाले दिनों में अपनी डाइट भी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा एक ही मेरे व्लॉग, मतलब रेगुलर व्लॉग्स मैं करूँगी ना उसमें आपको सब कुछ मिलेगा. मतलब मसाला मिलने वाला है आपको जो चाहिए, मतलब मेरी हर तरह की ऑडियंस है, जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखना चाहती है, कुछ लोग मेरे क्लाउड किचन वाली व्लॉग्स देखना चाहते हैं और कुछ लोग मेरी डाइट वीडियोज़ देखना चाहते हैं. तो आप सब खुश होने वाले हो क्योंकि मैं आपको वो सब कुछ देने वाली हूँ. तो बस वही उम्मीद की हुई है कि ऐसा ही करूँगी और होप सो मैं कर भी पाऊँ. तो बस अभी लड्डू के पापा ने बोला है कि वो 3:30 तक आ जाएंगे, तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए. लड्डू को नहला चुकी हूँ, उसको भी कपड़े चेंज करवाने हैं, अभी लंच कराना है, कपड़े चेंज करने हैं, फिर खुद भी तैयार होना है, बहुत सारे काम है आपकी बहन के पास. तो गाइज जाती हूँ सारे काम निपटा कर, जब निकलेंगे तब आपसे मिलती हूँ. और हाँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पूरा देखना, अच्छी लगे ना तो कमेंट कर देना और बहुत अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना. ठीक है गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है. कितने बज रहे हैं अभी? 4:30 बज रहे हैं और अब निकल रहे हैं. और मैंने ये ड्रेस पहनी है, मैं आपको दिखाती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ सामने से दिखा देंगे. पता है मेरे ना जो पैर के जो छोटे वाले जो नेल्स होते हैं ना दोनों पैर में, वो इतना पेन कर रहा है, कोई भी बैली नहीं पहन पा रही हूँ, तो मैंने चप्पल पहन लिया. हेलो, ये बर्थडे बॉय है ना? हाँ. कहाँ जा रहे हैं हम? लुलू मॉल जा रहे हैं. लुलू मॉल जा रहे हैं. और ये बर्थडे बॉय के पापा हैं. हेलो बोल दो सबको. हेलो. ऐसे जैसे नहीं कोई मिस कॉल मार रहा है तो सामने वाला उठा के हेलो हेलो. तो लड्डू ये तैयार हुआ है, लड्डू के पापा बस कुछ नहीं उन्होंने चेंज किया, ऐसे कैसे चल रहे हैं. तो हम लोग निकलते हैं. मैंने कान में भी कुछ नहीं पहना, पहले पहन सोच रही पहनने का, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं पहनते, नहीं पहन रही. तो अभी कैब आई नहीं है तो हम कैब का वेट कर रहे हैं, हस्बैंड लॉक लगा रहे हैं और अब बस हम लोग निकलते हैं. हस्बैंड है मेरे, हस्बैंड कौन है, कौन है? साड़ी क्यों लग रही हो? लुलू मॉल नहीं जाना है तो हैप्पी हो जाओ, हैप्पी फेस कर दो. कार में इसको हैप्पी नहीं होता. ड्राइंग का कंपटीशन नहीं हुआ था, आपने पॉट पे कलर किया था, पेपर से रैबिट बनाया था, वो यहीं पे तो बनाया था. हम लोग मूवी जाते हैं घर, बहुत बार गए हैं. नहीं आप? नहीं. चलो अब इसके बाद आएगा ना, देखो. हम यहाँ आए हैं तो लड्डू यहाँ पे बहुत से झूले झूलेगा. कहाँ है लुलू मॉल? कहाँ चले? ऊपर चले, चलो. वो रहा, कार्ड बनवा लिया है. और ये वो जगह है, ये वही वाला है ना जहाँ पे लास्ट टाइम आपने जीता था. तो हमने ये वाला जो पप्पी है ना, ये वाला ब्राउन और वाइट, ये हमने यहाँ से जीता था. इस बार फिर एक बार ट्राई करेंगे. ये देखो दोनों आगे निकल चुके हैं. आपको मैं दिखा दूँ, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी है, मतलब बड़े भी आराम से इसमें राइड्स ले सकते हैं. काफ़ी कुछ है यहाँ पे, अगर आप देखो ना काफ़ी कुछ है यहाँ पे. ये देखो लड्डू का फेवरेट. वाह लड्डू, मैचिंग मैचिंग है, ग्रीन ग्रीन है ना. नीचे फ्लोर देखो, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन. अरे क्या बात है, लो बैंड भी ग्रीन हो गया अब तो.
सब कुछ ग्रीन ग्रीन। हाँ बाय। सबसे पहले ब्लॉग्स। देखो कहाँ गया है, ब्लॉग्स बना रहा है, घर बना रहा है घर। लड्डू हम कुछ खा के आ रहे हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है, सुनो, ठीक है, शैतानी नहीं करना, कैब सही करो, कैब सही करो। मैं इनको बोल रही मेरी अच्छी अच्छी फोटो खींच दो, तो ऐसे ऑकवर्ड जाते हैं, मुझे ऑकवर्ड कर देते हैं, मेरी एक भी फोटो में एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे। ये वाली राइट ले लो, हाँ क्या चीख रहे थे अभी लोग, मैंने देखा उसने, मैं तो नहीं, वो वाली चलो ले ले, वो नहीं, क्यों राइट ले लो, पता है गाइस लास्ट टाइम वो कार वाली नहीं है जिसमें टक्कर मारते हैं, ये गुस्सा हो गए, कह रहे तुमको तो कभी रोड पे गाड़ी चलाने नहीं दूंगा मैं, ये नहीं बन जाओ यहाँ से, चलो कुछ खा के ला दो पहले, चल के चलो। क्या कुछ खाते हैं? लड्डू हम आ रहे हैं, ठीक है, लड्डू हम आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, कुछ खा के आते हैं, तब तक आधे घंटे का टाइम है यहाँ पे, लड्डू अपना राइड देगा। ये कौन सी गेम है, ये खेलेंगे, चलो जहाँ पहुँचूंगी वहाँ तक तुम मार सकते हैं, तो कुछ खा के आते हैं, तब तक लड्डू वहाँ पे है। पानी पहली बार खरीदा है ना तो 60 रुपये मुझे बड़े खल रहे हैं। अभी तक ये होता है लड्डू के लिए पानी लेके चलते हैं ना हम लोग, तो उसी से 2-3 घूंट हम भी पी लेते हैं। अभी 60 रुपये की बोतल खरीदी है मैंने यहाँ, गाइस देख लो। तो हमने अपनी छोटी मोटी भूख के लिए, नहीं जो मेरी बड़ी भूख थी, लेकिन छोटी मोटी भूख का टाइम है, तो हमने वहाँ पे राज कचौड़ी और कोई भल्ला पापड़ी चाट कुछ लिया है, तो वहाँ बन रहा है मोती महल, दिल्ली गए, लेकिन यहाँ दिल्ली वालों ऐसा कोई बना नहीं सकता है। ये देख के तो अच्छा लग रहा है गाइस, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यम यम देख के अच्छा लग रहा है ना। तो ये है हमारी दही भल्ले चाट कुछ समथिंग, और ये है राज कचौड़ी, लेकिन राज कचौड़ी दिल्ली में बहुत बड़ी मिलती है, इतनी बड़ी होती है, तो आधी है तो मॉल के हिसाब से रेट भी है ना, तो दिल्ली में भी, मैं रोड के किनारे की बात नहीं कर रही हूँ, तो दिल्ली में रोड किनारे नहीं, दिल्ली में शॉप की बात कर रही हूँ, मॉल है। आके दिखाती हूँ, टेस्ट बताती हूँ गाइस आपको कैसा है, दिल्ली वाला है कि नहीं है। ये उठाया हमने, आइए कैसा है, मज़ेदार ठंडा है ना, शायद इसकी वजह से लग रहा है, ये मस्त है, मस्त, और मैं भूखी भी हूँ ना, इसको भी लग रहा होगा मेरे को, तो दिल्ली वाला है कि नहीं है। हाँ मजेदार है, आपको हम लोग ना यहाँ पे लखनऊ में मोस्टली हमने क्या कहा, बास्केट चाट होती है, तो रॉयल कैफे की बास्केट चाट खाई है। यहाँ पे बहुत ही कम जगह पे मेन्यू में ऑप्शन होता है राज कचौड़ी का, फिलिंग दोनों की सेम ही होती है, बस बाहर का जो होता है ना वो बास्केट की शेप का होता है, और ये गोलगप्पे की शेप का होता है, कचौड़ी की शेप का। चलो ये भी टेस्ट करते हैं, पहली चीज़ तो बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था, फोड़ दिया। इसकी फीलिंग सेम नहीं लेकिन अभी जैसे उसकी होती बास्केट, हाँ कुछ भी नहीं है इसमें तो, वेरी डिसअपॉइंटेड, उसमें तो टिक्की भी पड़ी होती है अंदर, मटर भी पड़ा होता है, हाँ उसमें होता है, इसमें नहीं है, मज़ा नहीं आया इसको देखकर। जैसे ये घर बनाने में मुझे लगा था टाइम हो गया होगा, कहीं इसको बाहर जाने के लिए ना बोल दिया हो, चले चले आओ। गाइस हम लोग जा रहे हैं वापस एक ट्राई मारने के लिए, कहाँ पे
वो सॉफ्ट टॉयज वाले में, शायद क्या पता इस बार भी निकल जाए कुछ, और नहीं निकला ना पैसे लूँगी आपसे तो वापस, सुन रहे हो? पोपट हो गया गाइज, शूट तक नहीं कर पाई। अरे उनका टाइम नहीं हुआ क्या? पता नहीं, हो तो गए, निकलने को बोला ही तो वो निकल नहीं रहा, पोपट हो गया हम लोगों का। चलो निकालते हैं, बताती हूँ आपको क्या हुआ। एनिमल वाला किंडर जॉय, यहाँ क्या करोगे किंडर जॉय? खाने की चीज़ नहीं, खेलने की चीज़ देखो, और खाने की चीज़ जिसे पेट भरे। किंडर जॉय तो खिलौना है ना, टॉय है, हमें क्या चाहिए पता है? हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, तो बताओ क्या खाओ? इडली खाओगे? इडली खाओगे? रोटी खाओगे? वाइट रोटी नहीं मिलती है बाहर। सुन रहे पापा, कहीं बोल पड़े वाइट रोटी चाहिए। पानी पीना है? लाओ मैं ओपन कर दूँ। लड्डू खुद से, चलो हो गया स्टार्ट। चूज करना है ना उस पे, सब चूज कर लिया उसने जो चूज करना था। ये लड़की की बॉडी ली है इसमें, आप लड़की हो, आप तो गर्ल बन गए हो, चलो भागो। अरे ना, अब कौन सा? चलो मुझे लगा ये गेम है। हाँ कटा है, किसने बोला नहीं कटा है? ये बोल रहे हैं कटा है, देखो मुझे लगा गेम है, लेकिन यहाँ से भी स्क्रीन चल रही है और ये हिल रहा है, हो गया बस यही है। जल्दी जल्दी कौन जीतेगा देखते हैं। अरे यार जल्दी लड्डू। पापा जीत रहे हैं। अरे यार शिट, ओ शिट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लड्डू वन मोर ट्राई, उठाओ उठाओ उठाओ, हो गया बस। कौन जीता, कौन जीता? हाँ कहाँ जा रहे हो? ट्रेन, बस से नहीं, सॉरी जीप से। सफारी, जंगल देखने, एनिमल्स को देखने जाओ। अच्छा खेला है, और सेम वैसी खेलना है। मजा आया? हाँ, और खेल। अभी और खेलेंगे कुछ। पापा जूस ला रहे हैं, जूस पी लो उसके बाद फिर देखते हैं जो जूस मिलेगा। डर तो डरो मत, अच्छा वाला लाएंगे ठीक है, टेस्टी वाला। जूस से डर लग रहा है कि पता नहीं क्या पिला देंगे हम इसको। अभी हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, बोल दो। पता है अभी मम्मा और पापा यहाँ खाना खाने आए थे, क्या खाया पता है? दिखाऊँ? हाँ उनको दिखाती हूँ। तो अब यहाँ से कहाँ जाएंगे?
डिनर नहीं करा रहे हो? क्यों? घर पर बेहतरीन दाल चावल बनाता हूँ। नहीं खा रहा है। चलो डिनर कर सकते हैं। कहाँ? कहाँ? क्लासियो में। क्लासियो में? तो टेबल बुक कर रखी है आपने? कर दिया। कब? आधे घंटे। Oh my God! Surprise था क्या ये? Oh my God! तो अभी कितने बज रहे हैं? 8 बजने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे 5 बजे से आए ना, 5:30 आए हुए हैं। इसको भी मज़ा आ रहा है, वापस से आया है, इसने ये सेकेंड टाइम लिया है। आधे घंटे के लिए होता है ये वाला जो एरिया है ना, ये आधे घंटे के लिए होता है। इसमें ब्लॉग्स बनाते हैं, घर घर बनाना चाहो तो बना सकते हैं बच्चे, या बॉल में खेलना चाहे तो कर सकते हैं। आधे घंटे पहले किया था, फिर एक दो राइड्स लिए, उसके बाद दोबारा आधे घंटे यहाँ पे आए। इसके बाद हम सीधा यहाँ से निकलेंगे प्लासियो मॉल। लिपस्टिक लगाऊंगी पहले मैं, खत्म हो गई है। ठीक है, वो पाप चाट खाया था ना, पाप पाप नहीं, पाप करके आई। क्या करके आई हूँ? था कोई मेरा चाहने वाला। आपको लगता है मेरे चाहने वाले नहीं रहे होंगे? बोल रहे होंगे गाइस, टॉप सीक्रेट है, मेरे चाहने वाले शायद देख रहे हो ये वीडियो। तो गाइस, मेरे चाहने वालों, मेरे पति को शक नहीं है बिल्कुल भी। गाइस अभी ना हम लोग जा रहे थे, फिर हमें लड्डू ने याद दिलाया उसने कॉटन कैंडी नहीं लिया, तो बस अब कॉटन कैंडी लेने जा रहे हैं। पर पता है हम लोग उसको चुन्नी मुन्नी बोलते थे दिल्ली में बचपन में, और अब यहाँ पे कॉटन कैंडी नाम से। यहाँ अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ यूनिक सा है, ये देखो ब्लू, ब्लू या कुछ और देख लो। पिछली बार ये लिया था, ब्लू वाला थे। ग्रीन नहीं लेना है, नहीं लेना है उसको, ब्लू ही दिलाओ। ब्लू लेना है ये वाला, कौन सा? देखो ढंग से देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये अच्छी बात है। कहाँ बनेगा? यहीं पर। यार हम लोग इसको चुन्नी मुन्नी बोलते थे बचपन में, और शायद यहाँ पे इसको बुड्ढी का बाल बोलते थे, है ना? और यहाँ इसको कॉटन कैंडी। सही है यार, सही है। क्या क्या मशीनें निकल गई हैं ये देखो। अच्छा, अब ये शेप लेगा जैसे इसमें दिखा रहे हैं ना पिक्चर में, ऐसे यहाँ पर। लड्डू ये क्या चीज़ है बेटा, ये कैसे मशीन से बन रहा है? अच्छा यहाँ पे देखो शेप चेंज हुई इसकी। Are you excited? Yeah. देखो शेप बनने लगी फ्लावर की, ये ब्लू कलर हो रहा है ना, नीचे तो ब्लू है, लाइट स्काई ब्लू। ये देखो शेप ऐसे बनेगी इसमें, इतना बड़ा। ओह माय गॉड, कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? हो गया क्या? ये लो, ये दिखाओ दिखाओ। अरे चलो पापा के पास चलो, बोरे बोरे बैठे हैं। कैसा है ये? कलर तो नहीं आया वैसा,
नहीं आया ऐसे देखो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ तो लड्डू को कैंडी दिलाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे और हम डिनर करने के लिए दूसरे मॉल आए थे। मतलब हम पहले लुलू मॉल में थे लेकिन डिनर करने के लिए हम लोग आए थे फिनिक्स प्लासियो मॉल में। तो मेरी पूरी प्लेट भरवा रखी है इस आदमी ने, दोबारा राउंड में भरवा लेते, जब मैं आती तो गरम गरम खाती। तो गाइज हम लोग आए हैं द बिग ग्रिल्स में डिनर करने के लिए लड्डू की बर्थडे पार्टी। लड्डू फ्राइज भी खाते जाओ। वैसे आपको एक बात बताऊं, यहाँ का जो स्टार्टर था ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मैंने अभी तक जितने भी बुफेज का में खाना खाया है ना उनमें से सबसे अच्छा स्टार्टर मुझे यहाँ का लगा है टेस्ट वाइज। नॉर्मली हम लोग नॉनवेज का बुफे मतलब लेते हैं लेकिन आज ट्यूसडे था तो इसीलिए आज हमने वेज खाया। गाइस हम लोग खा चुके हैं, अब चला नहीं जा रहा है। सुनो चला नहीं जा रहा है। मैंने कितना खाया? पूरा क्या? वैसे बसूरा तो मैंने ही है, सही बोल रहे हो। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस और मैंने हम सब वापस आ गए हैं। बाकी अब से मैं जो भी अपने क्लाउड किचन में जो भी चीज़ें मेरी होंगी चलेंगी वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने आने वाले ब्लॉग्स में। और मेरे पास कई सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि आप लोगों को क्लाउड किचन ओपन करना है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, मैं उनकी कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मैं कल से अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। और जितने भी मुझे कमेंट मिले हैं ना, जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं वो सबको शेयर करूंगी। क्लाउड किचन रजिस्ट्रेशन के बाद की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ, मैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी अगर आपका खुद का क्लाउड किचन है तो वो सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें, वो एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ में आगे आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। तो अगर आप मतलब ऐसी कोई वीडियोज़ चाहते हैं तो स्टे ट्यून, मेरे चैनल पर बने रहना और आगे मेरी वीडियो पूरी की पूरी देखना। और हाँ, वीडियो देखते हो ना तो प्लीज़ वीडियो के साथ में ना वीडियो की आने वाली एड्स भी देख लिया करो। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अपना आईलाइनर मिटाने। हम मतलब मैं जिस ज़माने की हूँ ना उस ज़माने के लोग सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर को ही मेकअप बोलते हैं, मैं वही करती हूँ और वो मैं अब जा रही हूँ हटाने के लिए, अपना मेकअप हटाने के लिए, ठीक है। और अब आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे, तब तक के लिए बाय बाय। मैं वॉशरूम गई ही थी अपना मेकअप हटाने का सोचने के लिए, तब तक मेरे पति परमेश्वर क्या बना के लाए, क्या बना के लाए, अभी औकात वाली बात क्या करो, चिकन अफगानी। तो मेरे हस्बैंड बना के लाए एक्सप्रेसो, नहीं तो गर्मा गर्म चाय। तो मैं पीऊंगी चाय, उसके बाद मेकअप रिमूव करूंगी, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, ठीक है। ओके ओके, अरे बोलो ना यार, ओके कोई तो बोलो, ओके ये मम्मा का बेटा है, ठीक है, मम्मा की जान है, अगला बच्चा है मेरा। ये मम्मा का पेन है, रख दो उसको चुपचाप से। देखा मैंने कहा था ना, पेन देखेगा कहेगा मेरा है। तो गाइस बाय।